हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीए बीएससी या बीकॉम की मार्कशीट में संशोधन कैसे करवाएं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके ग्रेजुएशन की मार्कशीट में कोई गलती हो गई है, चाहे आपका नाम गलत हो गया, पिता का नाम गलत हो गया, माता का नाम गलत हो गया है, या डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती हो गई है, तो कैसे जो है कि आप अपने मार्कशीट में संशोधन करवा सकते हैं, पूरा डिटेल से इस वीडियो में हम बताएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि अगर आपके बीए बीएससी या बीकॉम की मार्कशीट में कोई भी गलती है, चाहे आपका नाम गलत है, पिता का नाम गलत है, माता का नाम गलत है, तब आप उसमें संशोधन कैसे करवाएंगे। तो फ्रेंड देखिए, आपको अपनी मार्कशीट में संशोधन करवाने के लिए सबसे पहले जिस कॉलेज से आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, बीए कर रहे थे, बीएससी कर रहे थे या बीकॉम कर रहे थे, वह कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है उस यूनिवर्सिटी आपको जाना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी कॉलेज से कर रहे हैं और वह कॉलेज जो है कि अवध यूनिवर्सिटी से जो है कि अवध यूनिवर्सिटी से आपका कोर्स कराता है, तब आपको क्या करना है कि अवध यूनिवर्सिटी जाना है, आपको अपनी यूनिवर्सिटी जाना है। और वहाँ पर आप जाएंगे जब अपनी यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं यूनिवर्सिटी में, आपको वहाँ पर पता करना है कि मार्कशीट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वह किस डिपार्टमेंट में होती हैं, तो वहाँ पर आपको जाना है। और फ्रेंड्स, वहाँ पर जाने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट भी आपको तैयार करना है, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड देखिए, पहला जो डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है वह है एफिडेविट। जी हाँ दोस्तों, एक आपको एफिडेविट बनवा लेना है जो कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो कचहरी है वहां से आपका बन जाएगा। तो वहां से आपको एक एफिडेविट बनवा लेना है, 50 या 100 रुपए आपके लगेंगे। और उसके बाद क्या करना है कि कुछ और डॉक्यूमेंट लेने हैं, जैसे आपको अपना आधार कार्ड ले लेना है, क्योंकि आपको अपना नाम चेंज कराना है या पिता का नाम चेंज कराना है, तो ऐसे में आपको अपना आधार कार्ड ले लेना है और 2 पासपोर्ट साइज अपना फोटो ले लेना है। और अगर इंटर की मार्कशीट आपकी सही थी तो इंटर की मार्कशीट आपको ले लेनी है, या हाई स्कूल की अगर मार्कशीट है तो हाई स्कूल की आपको मार्कशीट ले लेनी है। और इतना डॉक्यूमेंट ले करके आपको अपनी यूनिवर्सिटी जाना है। और वहाँ पर जब फ्रेंड्स आप मार्कशीट वाले डिपार्टमेंट में जाएंगे और वहाँ पर जो अधिकारी लोग बैठे रहते हैं उनसे आप मिलेंगे और उनको यह बताएंगे कि सर हमारी यह मार्कशीट है और इसमें यह गलती हो गई है, तो वहाँ पर कुछ चार्जेस लगते हैं आपके, 300 रुपये या 400 रुपये लग सकते हैं, वहाँ पर आपसे चार्ज लिया जाएगा संशोधन का। और उसके बाद जो है कि आपकी मार्कशीट में संशोधन कर दिया जाएगा। इसमें फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें जो है कि बहुत से स्टूडेंट का हर साल संशोधन करना होता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। 1 से 2 महीने के अंदर जो है कि आपकी मार्कशीट संशोधन हो जाती है, और आपको जो है कि वहाँ पर सब कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करके चले आना है, और वहाँ पर जो है कि 1 से 2 महीने बाद आपकी मार्कशीट जो है वह आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है कि आप अपनी मार्कशीट बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, उसकी मार्कशीट में आप संशोधन करवा सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक काम और करिएगा कि जब आप मार्कशीट के लिए डॉक्यूमेंट ले जाइएगा, जैसे आधार कार्ड हो गया और उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो गया, तो जो आधार कार्ड वगैरह है आप 2-2 फोटोकॉपी जरूर ले जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, आप 2-2 फोटोकॉपी जरूर ले जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है कि आपसे फोटोकॉपी मांगी जाती है, आपकी मार्कशीट की फोटोकॉपी मांगी जाएगी, आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी मांगी जाएगी, तो आप जो है कि फोटोकॉपी करा के जरूर ले जाइएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है कि आप अपनी मार्कशीट को संशोधन करवा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।